हेलो एंड वेलकम, नमस्कार टू दिस इंडिया टुडे आज तक स्पेशल। आईपीएल हर साल एक नया स्टार लेकर आता है। वन स्टार इज ऑलमोस्ट क्रिएटेड एवरी आईपीएल एंड दिस ईयर द बिगेस्ट स्टार एट द मोमेंट, द मैन हु हैज क्रिएटेड अ मैजिकल मोमेंट इन द आईपीएल इज रिंकू सिंह, उत्तर प्रदेश बैट्समैन। 5 sixes इन 5 balls टू फिनिश अ मैच इन विच हिज टीम कोलकाता नाइट राइडर्स नीडेड 29 runs टू विन। हमारे साथ है खुद रिंकू सिंह। रिंकू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ये बताइए, कल हुआ क्या? क्या अभी तक आपको ये महसूस हो रहा है कि आपने एक इम्पॉसिबल टास्क कर दी, 29 run 5 ball में? हाँ सर, मतलब थोड़ा तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था शुरू शुरू में, मतलब ये क्या हो गया। मतलब हाँ, मतलब एक अंदर से बिलीव था सर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ये सब मतलब ये इनिंग ऐसी इनिंग खेल ली थी मगर जीत नहीं पाए थे मैच, और इस साल मैं करके दिखाया सर। उस समय जब पहली बॉल पे उमेश यादव 1 run लेते हैं, 28 run बाकी है 5 ball, यानी पांचों बॉल को छक्के, 4 छक्के और 1 चौके की जरूरत है। क्या मन में जा रहा था, क्या माइंड था, क्या उमेश ने क्या कहा? नहीं भैया, यही कह रहे थे मुझसे कि ज्यादा सोचियो मत, जैसे बैटिंग कर रहा है वैसे खेलियो और जैसा बॉल आ रहा है वैसे खेलता रहियो। और सर मुझे पता भी नहीं थी कितने रन चाहिए सर, जब मुझे पता चली कि 2 ball में 10 run चाहिए मैं, हाँ अब कुछ हो सकता है, मैंने फिर मुझे मतलब बिलीव तो पहले से था, फिर और ज्यादा बिलीव हो गया था सर। ये उमेश ने कहा कि बस मार, लेकिन आपने जिस तरह से मारा, कुछ तो कोई एरिया टारगेट किया था या बस जहां बॉल आएगा उस एरिया पर मारना है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि एक ही जगह मारना, जैसा बॉल आ रहा था वैसे ही मैं खेल रहा था, जैसे 3 ball वो आई थी फील्ड टॉस, जो मैं मतलब कुछ ज्यादा ऐसा मैं सोच नहीं रहा था कि एक ही जगह मारना है, जैसा बॉल आ रहा था वैसे ही खेल रहा था सर। और ये भी बात भी यह है कि जो बॉलर था यश, आपका दोस्त है, उत्तर प्रदेश से आता है आपकी तरह, तो थोड़ी आपने तो कल दोस्ती नहीं निभाई। अरे सर क्रिकेट में अब सर दोस्ती है, अब क्रिकेट तो सर अब मतलब क्रिकेट में तो सब होता रहता है सर। हाँ एक अच्छे दोस्त है हम सर, अब क्रिकेट में सर अब क्या दोस्ती सर। यश से बात हुई? क्या कहा आपने यश को मैच के बाद? हाँ सर बात तो नहीं हुई, मैं एक मैसेज डाल दिया था सर, बता बोला था कि भाई क्रिकेट है ये सब तो होती रहती है, क्योंकि लास्ट ईयर उसने काफी अच्छा किया था, तो पार्ट ऑफ क्रिकेट है ये सब तो चीज चलती रहती है, बहुत मोटिवेट किया था मतलब सर एक मैसेज डाल के सर। पर मैंने देखा रिंकू, ये कोई वन ऑफ नहीं है, पिछले साल भी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आपने ऑलमोस्ट मैच खींच लिया था। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया है कि प्रेशर सिचुएशन है, इतनी बड़ी मैच है, प्रेशर है, प्रेशर को कैसे झेलते हो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाते हो? नहीं सर, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे जब मेरा नंबर मतलब मैं डोमेस्टिक में भी ऐसी नंबर पे खेलता हूँ, 5-6 नंबर पे, तो यहाँ भी ये खेलता हूँ, तो मैं काफ़ी काफ़ी टाइम से फेस करते आ रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो कहीं अंदर से बिलीव है कि मैं सारी ये चीज़ें कर सकता हूँ सर। यानी कल भी जब इतने रन बाकी थे, कहीं बिलीफ था कि ये इम्पॉसिबल है लेकिन हो सकता है? हाँ सर शुरू में मतलब बिलीव था, क्योंकि मतलब शुरू में जब टाइम आउट हुआ था कि भैया ने बोला, नीतीश भाई आए थे तो यही बोल रहे थे कि अपने पर भरोसा रखियो, जो जैसे लास्ट जो इनिंग खेली है वैसे एकदम अपने पर भरोसा रख के खेलियो तू कर सकता है, तो वही था कि लास्ट तक गेम लेके गए सर हम, तो ये हो गया सर सर। क्रेडिट किसको दोगे, कोई इंडिविजुअल? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, चंद्रकांत पंडित आपके कोच, बड़े अच्छे कोच हैं, पूरी कोलकाता टीम या यूपी के जो आपके साथी हैं या कोच हैं, किसको क्रेडिट दोगे कि इस लेवल तक अब आप पहुंच गए हो कि लोग आपके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं, वो इंडिया का बेस्ट फिनिशर में से एक है? सबको देना चाहूंगा सर, क्योंकि मतलब काफी मेहनत करी है सर हमारी टीम ने, तो पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले हमारे कैमरे में लगा हुआ था उस पर काफी मेहनत करी थी सर हमने, इस चीज पर काफी नए शॉट शॉट सीखे, तो यही मेहनत करते हुए आ रहे थे, और जो मेहनत आज जब आपने कल मैच देखा तो वो पूरी रंग लाई है सर। पर यू नो रिंकू, आपकी कहानी मैं देख रहा था, अलीगढ़ से आते हो, छोटा शहर है लेकिन बड़े सपने जरूर होंगे। परिस्थिति परिवार की कुछ ठीक नहीं थी कुछ सालों पहले, फिर भी आपने बड़ी मेहनत की। पिताजी एलपीजी सिलेंडर वहां बेचते थे, ये भी कहा जाता है आपके भाई ने एक बार कहा था कि चल किसी के घर में साफ सफाई करनी पड़ेगी, इसके बावजूद आप क्रिकेट की तरफ गए। हाँ कितनी ये
कितनी मुश्किल रही है ये जर्नी तुम्हारे नहीं लिए? सर, काफी मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मतलब पापा तो पसंद ही नहीं करते थे क्रिकेट। मतलब मेरे साथ ही काम करे जो सिलेंडर का काम है सर, क्योंकि पापा भी काम करते, तो पापा ने बोला कि मेरे साथ ही काम करो। जो एक बाइक थी उस पे हम सिलेंडर लेके जाते थे भाई सारे। तो फिर मतलब मम्मी ने बोला कि पापा जब सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो फिर काम ही कर ले। जो मेरा भाई था वो एक कोचिंग सेंटर में काम करता था, तो वहां पर उस वो लेके गया मुझे, तो मैं भी गया था सर। तो उन्होंने बोला था कि सुबह सुबह पोंछा लगा के चले जाना, तो सर मैं वहां से तो भाग गया सर, भाग भाग गया। फिर उसके बाद मैं क्रिकेट पे फोकस किया था पूरा। ये जज्बा, क्रिकेट जुनून पहले से है? कि मतलब क्रिकेट बहुत शुरू से पसंद था, क्योंकि हम साथ में सारे भाई खेलते थे। और मतलब एक स्कूल में मैं पढ़ता था, तो एक टूर्नामेंट हुआ था इंटर स्कूल, तो वहां से मैं स्टार्ट करी थी अपनी क्रिकेट। जो मेरा हमारा क्लब है जाटन राइडर्स, तो वहां से शुरुआत करी थी सर मैंने अपनी क्रिकेट की। और कोई हीरो, कोई रोल मॉडल, जब तुम आपने क्रिकेट शुरुआत की, रिंकू, कोई रोल मॉडल कि मुझे इसके तरह बैटिंग करनी नहीं है? नहीं मैं सर शुरू से, एक मेरे आइडल रहे हैं सुरेश रैना भैया, तो उन्हीं को फॉलो करता आता हूँ। कभी काफी मतलब बहुत अच्छे मतलब फील्डर हैं, और उनकी भी बैटिंग उसी टाइम आती है जिस टाइम मेरी आती है, तो उन्हीं को फॉलो किया मैंने शुरू से सर। हाँ, और आप भी लेफ्ट हैंडर है, लेकिन रिंकू, ये बताइए कि इतनी बड़ी जर्नी जब होती है, आईपीएल ने 80 लाख, जब मैंने सुना कि ऑक्शन में 80 लाख मिले, आप भी चौंकने हो गए कि बहन की शादी अब धूमधाम से करनी है, नया घर लेना है, अब तो कल के इनिंग्स के बाद तो आप करोड़पति बन जाएंगे, तो सोचा है कि करोगे क्या आप? नहीं नहीं सर, अभी तो सर 55 लाख में कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर नहीं बताया सर, इतना पैसा हमारी फैमिली ने कभी देगा नहीं। तो जितनी भी दिक्कत थी मेरे घर में, तो सारी वो दूर हो गई। घर की दिक्कत थी, जो कर्जा था वो सारा क्लियर हो गया, और जो मतलब घर नहीं था वो भी बना दिया अपनी फैमिली के लिए। मेरी फैमिली अभी इस टाइम सर खुश है काफी। और रात को जब कल आराम से जब होटल पहुंचे, तो पहली सोचा क्या, सोने के पहले कभी सोचा कि यार देखो, दुनिया भर में आप नंबर 1 ट्रेंड है, लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे, कभी सोचा था ऐसा दिन आएगा? क्या सोचा था जब रात को कल सो गए इस बड़े इनिंग्स के बाद कि जिंदगी बदल गई है तुम्हारी? नहीं सर, कल तो मतलब थोड़ा मतलब नींद नहीं आ रही थी, तो वही चीजें दिमाग में चल रही थी। मेरे छक्के जो मारे थे, तो मतलब काफी अच्छा लग रहा था रात में। मतलब अच्छी भी नींद आई सर, मगर और आई भी नहीं सर, ये भी कह सकते हैं। शाहरुख खान ने फोन किया कि नहीं? क्या हाँ सर, किया था सर, वीडियो कॉल करी थी सर ने। कहा शाहरुख ने? कुछ नहीं सर, मुबारकबाद दे रहे थे काफी, तो मुझे मतलब बात ही नहीं कर पा रहा था सर, इतने बड़े इंसान है, तो मैं थोड़ा शर्मा रहा था उनके सामने, तो बात ही नहीं कर पाया मैं सर। नहीं असली बात है, आपने उनसे उनको कहना था, चाहिए था कि आप फिल्मों के पठान हैं, असली पठान अब क्रिकेट का मैं बन गया हूं। अरे सर, इतनी बड़ी बात कहाँ से कह पाता सर मैं, मतलब मैं बात ही नहीं कर पा रहा था सर उनसे, मतलब शर्म आ रही थी काफी। जी, आखिरी सवाल, अब क्या कोई सपना अब कि आ, आ, इंडिया के लिए खेलना है, अगला अगला कोई पड़ाव, कोई एक सपना है या कोई अंबिशन है कि अगला क्या करना है रिंकू सिंह को? नहीं नहीं सर, सबका ही सपना होता है इंडिया खेलना, मेरा भी सपना इंडिया खेलना है। मतलब इधर अभी मैं सोच नहीं रहा, जैसे अभी जैसे मैं खेला हूँ बस ऐसे ही करता रहूँ अपनी टीम के लिए, और मैच जिता रहा हूँ टीम को सर। रिंकू, आपने कल एक ऐसी ऐसी मैच जिताई है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, 5 बॉल में 5 छक्के मारना आसान नहीं है, दम है आपने आप में, और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, हमें खुश करते रहे, वर्ल्ड T20 के एक दिन आप प्लेयर बन जाए इंडिया के लिए, बट ऑल द वेरी बेस्ट रिंकू। थैंक यू सर, थैंक मेरे दोस्त नितिन श्रीवास्तव इसके बाद आपसे बात करेंगे, बट बहुत बहुत यू शुक्रिया, सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच, थैंक यू सर, और ऑल द वेरी बेस्ट सर रिंकू। थैंक यू।